नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल मास्टर और आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम आपको ये इंटर की केमिस्ट्री की 100% गेसेड क्वेश्चन, अनुमानित क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो 100% आपको क्वेश्चन मिलने, आपको 80% मार्क मिलना है। बस आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तरीके से तैयार करना है और इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये हमारा चैनल का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस पर आपको तरह तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, जैसे कि टेक्निकल और एजुकेशनल सारी प्रकार प्रकार की वीडियो आज आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हाई स्कूल इंटर की तैयारी अच्छे से पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम दिखाते हैं। क्या है तो ये आपका पेज है, इसमें आपको वो सारे क्वेश्चन डाले हैं जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट को बहुत ही मेहनत से बनाया गया। तो इसको हमने बनाया है, पेज को वर्ड्स पर जाकर मैंने कंप्यूटर में बनाया है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करना है। तो इसमें आपका ये इस समय अति लघु उत्तरी क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसके बाद आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद दीर्घ उत्तरी, सारे प्रकार क्वेश्चन हम डाल देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, इन क्वेश्चन को आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका पीडीएफ हम दे देंगे, लिंक मिल जाएगी, आपको कमेंट करना है, हम पीडीएफ लिंक दे देंगे और आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा लघु उत्तरी का, ये एक से दो अंक के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें से, या और बड़े में भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको एक से दो के अंक के क्वेश्चन में ही आपको मिलना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर है। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रगणन क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये वाला। इसी तरह और भी हैं क्वेश्चन, सभी को आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रतिप्रासरण, प्रतिप्रासरण क्या है। तो प्रतिप्रासरण आप देखे होंगे, याद किए होंगे, ये क्वेश्चन याद कर लेना है। उसके बाद मौलिक परीक्षण क्या है, मौलिक परीक्षण क्या है या किस प्रकार किया जाता है। अगला पांचवा क्वेश्चन है आपका, परासरण क्रिया में प्रयुक्त अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, उसे समझाना है। ये आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं और स्क्रॉल करके, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों का संक्षिप्त परिचय देना है आपको और उसको लिखना है, यहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपका प्रतिपरासरण क्या है, इसका उपयोग लिखना है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका एक एक करके क्वेश्चन है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ लिंक दे देंगे, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं और हम धीरे धीरे नहीं अब तेज़ी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, ग्लूकोज के 18 ग्राम में जल के 178.2 ग्राम मिलाए गए तो 100% सेल्सियस पर प्राप्त जली विलयन के लिए जल का वाष्प दाब क्या है। ये प्रश्न नंबर 8 है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9, यानी 3 ग्राम यूरिया को अगर 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो उन्नयन की गणना करना है, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की मान आपको इतना ग्राम दिया गया है जो कि 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल है। तो ये मोल माइनस वन जो है, ये आपको जो पावर के रूप में होता है वो है, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 10 है, अंतरालोजन पढ़े होंगे आपको, अंतरालोजनों तथा एक्स स्क्वायर में कौन सा अधिक सक्रिय है और क्यों है, यानी अंतरालोजन और एक्स स्क्वायर में कौन सक्रिय होता है और क्यों होता है, इसकी आपको देना है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, जैसा आपको अच्छा लगे जो कुछ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखा है प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 है आपका, एक संकुल यौगिक
को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का उच्छेद प्राप्त होता है। इसके विलयन की मोलर चालकता कुल दो आयनों के संगत होती है। यौगिक का नाम और संरचना सूत्र देना है, यानी संकुल यौगिक। संकुल यौगिक के बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होते हैं? ऋणात्मक तथा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों में अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 13 नंबर है, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा डायोनिक अम्ल की संरचना लिखिए। इसके बाद 14 नंबर है आपका, 14 नंबर हम बताते हैं, पूर्व प्रतिरोधी तथा विसंक्रामी औषधियाँ क्या हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। और 15 नंबर है, सीएल यानी क्लोरीन के आयन परीक्षण के समीकरण लिखना है। 16 नंबर आपका है, चौबीस सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का प्रसरण दाब 2.5 वायुमंडल है, विलयन की सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ये अगला क्वेश्चन। और उसके बाद 17 नंबर, फास्फोरस प्राप्त करने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 18 नंबर, एक या सीसी संरचना वाले धातु को उसकी परमाणुवी जो परमाणुवी त्रिज्या होती है 500 पिकोमी है, इसकी मात्रा कोष्ठिका के किनारे की लंबाई क्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न नंबर, नायलॉन 6 जो होता है ये 6 क्या है, इसे किस प्रकार बनाते हैं। और जो 20 नंबर है, परमाणुवी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते समय 3D कक्षक 4S कक्षक से पहले भरी जाती है, परंतु परमाणु के आयनन के दौरान इसकी बिल्कुल विपरीत होती है। स्पष्ट कीजिए क्यों विपरीत होती है, मतलब कैसे, कारण बताना है। और अगला है, साइनाइड प्रक्रम द्वारा चांदी प्राप्त करने की विधि तथा आवश्यक समीकरण लिखना है। इसमें समीकरण ही लिखना है और विधि भी लिखना है। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक में क्या अंतर है, दोनों का उदाहरण दीजिए, भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, आपको ये मिल सकता है ये क्वेश्चन में, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखा रहे हैं, चुंबकीय गुण वाले एक्सो को सांद्रित करने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और चुंबकीय गुण के बारे में आपको ध्यान में रखना है, अचुंबकीय चुंबकीय ये सब सारे क्वेश्चन के आंसर को। और अगला 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, ये जैसा देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम के विद्युतीय शोधन में क्रायोलाइट का क्या उपयोग है, ये 24 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हैं और आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे, आपको इसका हम PDF दे देंगे। एक बार हम बैक से फिर शुरू तक जाते हैं और इसको आप पहुँच करके भी नोट कर लीजिएगा और इनका PDF भी दे देंगे, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से। इसको बनाने में अगर कोई भी शब्द मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। और सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखना है, इन प्रश्नों में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और परीक्षा में अच्छा मार्क्स कर सकेंगे। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन लघु उत्तरी लाएंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरी लाएंगे और फिजिक्स का इसी तरह भी लाएंगे। सभी का क्वेश्चन आपको परीक्षा आने से पहले पहले हम एक महीने पहले ही दे देंगे। इसी महीने में हम पूरी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल देंगे। ठीक है, और आप इसको नोट कर लीजिएगा बस। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर पुराने हैं तो कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ध्यान में रखिए। ठीक है, और जिसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तब भी, नहीं अच्छा लगता तब कमेंट कीजिएगा, हम अगले और सब्जेक्ट के लाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। और हर तरह की वीडियो के लिए, मोबाइल और कंप्यूटर संबंधी वीडियोस के लिए और हाई स्कूल इंटर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल का नाम है, आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे, ये थंबनेल आपका जो दिखाई दे रहा है यही है आपका चैनल का नाम, टेक्नो प्लस स्टडी, ये चैनल है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, इस पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं आगे, बाय बाय, नमस्कार।
Thank you.